हेलो फ्रेंड्स, अम्ब्रेला स्टडी पे आपका स्वागत है। हमारी मैप की सीरीज़ में आज ये चौथा लेक्चर है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम बता दें आपको कि इससे पहले हमने लैटिट्यूड्स और जो कोस्ट लाइन और लैंड बॉर्डर्स ऑफ इंडिया ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो हम आज स्पेसिफिकली इंडिया के जो फिजियोग्राफिक फीचर्स है उस पर फोकस रखेंगे। दोस्तों, एक बार और बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले जो इंडिया के फिजिकल मैप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि जो फिजिकल मैप होता है उसको हम कैसे पढ़ते हैं या कैसे समझते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जो वाटर बॉडी यानी कि जो सी है, इंडियन ओशियन है, उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कलर है, जो ब्लूइश ब्लूइश कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में दिख रहा है। कहीं डार्क है तो कहीं लाइट है, कहीं गहरा है तो कहीं हल्का है। तो इसका मैं बता दूँ दोस्तों, जैसे जैसे हम समुद्र से या सी से लैंड मास की तरफ आते हैं दोस्तों, तो हमें जो कलर है वो वेरिएशन दिखता है। इसका कारण ये है दोस्तों कि जो ज़्यादा गहरा रंग है, जो डार्क कलर है, वो ये दिखाता है कि यहाँ पर समुद्र है वो बहुत गहरा है या ज़मीन है जो बहुत गहरी है। और जैसे जैसे हम धरती की तरफ, लैंड मास की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारा क्या है, जो गहराई है वो कम होती जाती है। तो उसी हिसाब से हमारा जो कलर है वो धीरे 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 लाइट होता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, अब लैंड मास के बारे में बात करते हैं, ज़मीन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, लैंड मास में भी कलर वेरिएशन है दोस्तों। तो कहीं ग्रीनिश है, कहीं येलोइश है, तो कहीं ब्राउनिश है और कहीं वाइटिश है। देखो दोस्तों, तो इसका कारण बता दूं दोस्तों कि जहाँ ग्रीनिश ग्रीनिश दिख रहा है आपको, वो इंडिकेट करता है कि ये प्लेन ग्राउंड है और ये कह सकते हैं मैदानी भाग है ये। और जहाँ थोड़ा सा येलोइश है, थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउनिश है, येलोइश है, तो ये दिखाता है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ माउंटेंस हैं, पहाड़ी हैं, यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। और ज़्यादा ये बिल्कुल जो थोड़ा डार्क ब्राउनिश दिखाता है दोस्तों, तो ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ के जो माउंटेन की जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है। मतलब माउंटेंस की कंपेरिजन टू इंडियन ये येलोइश, यहाँ पे जो डार्क है वो इसकी हाइट ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ देखेंगे जो वाइटिस है ये, तो ये इंडिकेट करता है कि जो माउंटेन की जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं उनकी जो हाइट है वो यहाँ पे पीक है, बिल्कुल एक हाईएस्ट हाइट है। मतलब मोर देन 7000 मीटर्स है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइस की फॉर्म में, जबकि उसके पर्वतों के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, जिसे हम आइस बोलते हैं। और हमने देखा होगा ग्लेशियर, जिन्हें बोलते हैं ग्लेशियर टाइप के, ये फॉर्म बना देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो एक हो गया कि फिजिकल मैप को कैसे समझते हैं। अब हम फिजिकल मैप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर लूँ कि मोस्टली हम सुनते रहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। दोस्तों, हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि 7 महाद्वीप होते हैं और उनमें इंडिया कोई महाद्वीप नहीं है, लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट ये उपमहाद्वीप होता क्या है, तो उसको बता दूं दोस्तों। जब भी हम महाद्वीप या कॉन्टिनेंट को हम डिवाइड करते हैं या कोई स्पेसिफिक नाम करते हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स होते हैं, उनके आधार पर हम इनको नाम देते हैं या बांटते हैं। तो इंडिया के केस में क्या है दोस्तों, आपने ये देखा होगा, देखो इंडिया है वो लैंड साइड से पूरे हिमालय से कवर है। ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड से लेके काराकोरम, और ये आपको देखा होगा, ये टोटली आपको ये पर्वत श्रृंखला और जो माउंटेन रेंज से कवर है इंडिया। और नीचे की तरफ हम देखते हैं दोस्तों, ये टोटली कोस्टल लाइन है, टोटली आपके समुद्र से कवर है। तो मैं एक सिंपल सी भाषा में कहूँ आपको कि जो पूरा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उससे इंडिया एक फिजियोग्राफिक फीचर के हिसाब से एक अलग है। तो इसी कारण इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं या भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। और दोस्तों, इसमें 7-8 कंट्री आते हैं, जो इंडिया के जितने भी नेबरहुड कंट्री हैं वो इसके अंदर आते हैं। दोस्तों, ये हो गई एक जनरल इंट्रो। अब हम स्पेसिफिकली
इंडियन रीजन पे फोकस करेंगे और इंडिया के फिजिकल मैप को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों इंडिया को फिजियोग्राफिक रीजन के हिसाब से मोस्टली 6 भागों में बांटा गया है। तो हम पहले बता दें, वन बाई वन थोड़ा नाम बता देंगे। तो पहला नाम है हमारा, वो है हिमालयन माउंटेन रेंज और नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये जो आपको दिख रहा है ये तो पूरा ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, और एक हमारा फिजियोग्राफिक रीजन ये हो गया। दोस्तों दूसरा हमारा जो फिजियोग्राफिक रीजन है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स और इंडो गंगेटिक प्लेन्स। ये दोस्तों जो ग्रीनिश ग्रीनिश दिख रहा है आपको, ये टोटली जो माउंटेन्स के बाद जो प्लेन्स हैं वो एक रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन है दोस्तों हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो थार और ये गुजरात, जो राजस्थान और गुजरात की कुछ सीमा में पड़ता है दोस्तों, ये हमारा इंडियन डेजर्ट हो गया। दोस्तों इसके बाद आता है पेनिनसुलर इंडिया, तो ये हमारा जो रीजन है पूरा आपको दिख रहा होगा कोस्टल साइड से लेके, और ये थोड़ा येलोइश टाइप का, ये दोस्तों हमारा हो गया पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में दोस्तों कोस्टल प्लेन्स हैं, या कई बुक्स में इसको अलग से दर्शाते हैं, कई बुक्स में इसको इसी का पार्ट रखते हैं। तो दोस्तों कोस्टल प्लेन्स हैं, जो हमारी जो कोस्टल लाइन्स हैं उनके सारे सारे कुछ प्लेन्स हैं। ये थोड़ी वाइडर स्ट्रिप है कंपेरिजन टू वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड की थोड़ी नैरो स्ट्रिप है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे लैंडमार्क्स के फिजियोग्राफिक रीजन। इसके अलावा भी एक रीजन और बचा है इंडिया का, वो है आइलैंड्स। तो आइलैंड्स में हमारे दोस्तों दो ही हैं मोनली जो ग्रुप्स हैं, एक तो बे ऑफ बंगाल में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और एक अरबियन सी में हमारा लक्षद्वीप है। दोस्तों ये तो हो गया फिजियोग्राफिक रीजन के हिसाब से इंडिया का डिवीज़न। अब दोस्तों थोड़ा सा हम और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो हम पहले हिमालयन माउंटेन रेंज की बात करते हैं। तो हिमालयन माउंटेन दोस्तों, ये कंफ्यूज ना हो कि हिमालय इंडिया में है तो पूरा हिमालय इंडिया के अंदर आता है। दोस्तों मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल बाउंड्री है किसी कंट्री की, और जो फिजियोग्राफिक फीचर है या कोई भी फिजियोग्राफिक ये है जैसे माउंटेन्स हैं, ये हैं, एक डिपेंड नहीं करता है कंट्री की बाउंड्री पर। जैसे हिमालय के केस में देखते हैं तो इसमें नेपाल भी आ जाता है दोस्तों, इसमें एक मिनट, इसमें दोस्तों नेपाल भी आ जाता है, भूटान भी आ जाता है, और इधर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान भी आ जाते हैं दोस्तों, इधर चाइना आ जाती है। तो दोस्तों ये डिपेंड नहीं करता है कि जो फिजिकल फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है या जो भी है वो डिपेंड नहीं करता है पॉलिटिकल बाउंड्री पे। देश की बाउंड्री अलग है और फिजियोग्राफिक जो फीचर है वो अलग है दोस्तों। तो हिमालयन हमारी रेंज है दोस्तों, ये पूरी हिमालयन रेंज है यहाँ से, ये दोस्तों यहाँ से पूरी एक्सटेंडेड है। वैसे हम अपने एक चैप्टर में अलग से दोस्तों वो रखेंगे जिसमें हम सारी माउंटेंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो मोटा मोटा बता दें यहाँ पे दोस्तों, ये हमारे जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, थोड़ा सा यूपी का पोर्शन, थोड़ा सा बिहार का पोर्शन, इधर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और ये दोस्तों थोड़ा सा असम का रीजन, ये हिमालय का पूरा आपको पोर्शन कवर करता है दोस्तों। अब नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स दोस्तों हमारा मोस्टली तीन नदियों से सिंचाई की जाती है, उसको तीन जो मेजर रिवर सिस्टम है। सेम दोस्तों हम रिवर सिस्टम पे भी एक अलग लेक्चर रखेंगे, बट यहाँ पे मोटा मोटा बता दें जो तीन जो थ्री मेजर रिवर सिस्टम है वो इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये तीनों ही हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं या इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं उसको क्या कहते हैं, सिंचाई करते हैं, उसको हम इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अब आ जाता है हमारा पेनिनसुलर इंडिया, सॉरी यह पहले हम कर लेते हैं डेजर्ट को, इंडियन डेजर्ट है जो। दोस्तों वैसे तो वर्ल्ड में जो सबसे फेमस डेजर्ट है वो सहारा का
डेजर्ट फेमस है अफ्रीका का। तो दोस्तों इंडिया का भी हम डेजर्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। ये आपके मोस्टली राजस्थान को कवर करता है, थोड़ा सा आपका ये राजस्थान के पोर्शन को कवर करता है दोस्तों, और थोड़ा सा आपका गुजरात का ये रण ऑफ कच्छ वाला इलाका है इधर पे ये कवर करता है दोस्तों। तो ये हमारा थार डेजर्ट हो गया दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुलर प्लेटू। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लूँ थोड़ा सा आपको, जो पेनिनसुलर इंडिया इसे क्यों बोलते हैं या भारतीय प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं दोस्तों, कोई भी लैंड मास अगर तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है तो उसे हम पेनिनसुलर बोलते हैं और हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। अगर हम बोलें कि कोई भी लैंड मास तीनों ओर पानी से घिरा हुआ होता है तो उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए भारत के केस में आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो साउदर्न पोर्शन है वो तीनों ओर से तीरी साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो इसी कारण इसे हम पेनिनसुलर बोलते हैं। और पेनिनसुलर इंडिया में दोस्तों आपको पता है मोस्टली माउंटेंस और प्लेटूज़ ही हैं, मोस्टली प्लेटूज़ हैं, उनकी जो माउंटेंस की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। जो एक्चुअली जो प्लेटूज़ होते क्या हैं, प्लेटूज़ प्लेन्स मतलब मैदान और माउंटेंस यानी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच के होते हैं। इनकी जो एवरेज एलिवेशन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 800 मीटर के आसपास होता है, और ऊपर से फ्लैट होते हैं ये। जो माउंटेन्स होती हैं उनकी एक चोटी होती है, उनका एक मतलब कॉन टाइप का होता है। लेकिन इसमें प्लेटू के केस में क्या होता है दोस्तों, ये फ्लैट होते हैं ऊपर से, बस एक एलिवेशन पे होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे फिर छोटा नागपुर, ये प्लेटू है अपना इधर झारखंड बिहार रीजन में। और दोस्तों यहाँ पे जो गारो हिल्स और खासो ये जो हैं ये भी इसी की एक्सटेंशन है। इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो गारो हिल्स खासी हिल्स हैं कि ये मतलब हिमालय की रेंज हैं कि नहीं। दोस्तों ये हिमालय की रेंज है, मणिपुर और ये नागालैंड हिल्स हैं ये हिमालय की रेंज हैं। बट ये जो गारो हिल्स और ये खासी हिल्स हैं दोस्तों ये छोटा नागपुर की एक्सटेंशन है। ये इसके साथ बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये कभी कभी क्वेश्चन में कंपटीशन एग्ज़ाम में आ जाता है कि जो गारो और खासी हिल्स हैं वो किसकी एक्सटेंशन है या किसका भाग हैं। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन दे देते हैं जैसे हिमालयन माउंटेंस या छोटा नागपुर प्लेट्यू या डक्कन ये डेक्कन प्लेट्यू, इस टाइप के आपको दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ दोस्तों, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पे ये हमारी बिंध्या रेंज है, और यहाँ पे इधर ये अरावली रेंज और बिंध्या रेंज के बीच में एक मालवा प्लेटू भी है दोस्तों। फिर इधर नीचे आएंगे ये हमारा डेक्कन प्लेटू हो गया, और दोस्तों जो हमारी ईस्टर्न साइड में कुछ माउंटेन रेंज हैं इसको हम ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और इनके बाद जो प्लेन आते हैं उसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। सेम वेस्टर्न साइड में दोस्तों क्या है कि एक मिनट देखो, वेस्टर्न साइड है ये, वेस्टर्न साइड में भी सेम माउंटेन रेंज हैं दोस्तों। और इसके बाद माउंटेन रेंज और कोस्ट लाइन के बीच में प्लेन्स हैं, और इन्हें हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं दोस्तों। आइलैंड का ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है दोस्तों, तो आज का हमारा जो फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है वो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हम रिवर सिस्टम पे, माउंटेंस पे और अलग अलग टॉपिक पे, छोटे छोटे टॉपिक पे छोटी छोटी वीडियो हम आगे बनाएंगे, और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये जो भी मटेरियल है हमारा वो आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी मटेरियल, अम्ब्रेला स्टडी मटेरियल 2019, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत सारी पीडीएफ फाइल सेंड करते हैं, और जो भी हमारी अम्ब्रेला स्टडी की जो भी वीडियो लेक्चर है उसका वीडियो हम पीडीएफ में वहाँ पे शेयर करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमारा ट्विटर पेज को भी लाइक कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।